साफ नहीं आती। 6,743 जाति बना दिया। ये जाति 2000 साल पहले बनाई गई है। ये जाति जानवरों में होती है। एक कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, सबका चेहरा देख के पहचान जाते हैं, उसका लेड़ी देख के पहचान जाते हैं। ब्राह्मण को राहु केतु शनि दिख जाता है, उसे कहिए अहिरे का लेड़ी देख के बता दो, ठाकुर का लेड़ी देख के बता दो, मौर्या का लेड़ी देख के बता दो, तो हम तुमको पंडित कर देंगे। ये हमको जाति व्यवस्था हमारे अंदर ला करके हमको जानवर बना दिया। 2200 साल तक आपको शिक्षा नहीं दी गई। 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने 23 यूनिवर्सिटी बनवाया, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, और आपके बाबा को 100 साल पहले पढ़ने नहीं दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 2200 साल पहले खून खराबा हुआ है। सम्राट अशोक के परपोते बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई है, और हत्या करने के बाद उसका नाम रावण रखा गया है और पुष्यमिश्रु का नाम राम रखा गया है, और हमारे लोगों का मुंडी काटा गया है। मुंडी काट काट करके सरजू नदी में फेंकी गई है। उस सरजू नदी का असली नाम है सरयुक्त नदी। लाशों का ढेर लग गया। त्योहार त्योहार मतलब तुम्हारी हार। हम लोग अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। 10 हरा मतलब 10 को हराया, वो 10वां शासक था, और उसके बाद मनुस्मृति का संविधान लिखा गया। सम्राट अशोक का संविधान को जला दिया गया और मनुस्मृति का संविधान लिखा गया कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, उसको राजा बनने का अधिकार नहीं। वो संविधान 2200 साल तक चला है। अंग्रेज आया है, आपको 1813 में शिक्षा का अधिकार दिया है, 1795 में संपत्ति का अधिकार दिया है, 1932 में बाबा साहब ने लड़ करके उनसे आपको वोट का अधिकार दिलाया है। इस संविधान ने आपको मनुष्य बनाया है। धर्म कहता है अहिर हो तो भैंस रहो, गरेरिया हो तो भेड़ चराओ, धोबी हो तो कपड़े का काम करो, मौर्या हो तो खेती करो, चमड़े हो तो चमार हो तो चमड़े का काम करो, लेकिन ये संविधान कहता है ये सब काम धाम छोड़ करके तुम नौकरी करो, बिजनेस करो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, लेकिन उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग उन्हीं कांग्रेस, उन्हीं बीजेपी, उन्हीं केजरीवाल को वोट देते हैं। मैं तो कहता हूं अगर 5 साल किसी को पीटा जाए तो उसको पीटने दीजिए और बोलिए इसको और मारो, ये उसी लायक है। अपने दारू पर, पैसे पर, अपने चौराहे पर आपके जो नेता हैं जातियों के, उनके द्वारा आपके समाज का वोट बेच दिया गया। कोई संविधान को बचाने वाला नहीं है। इसलिए तो इसलिए जो अपने प्रतीक हैं, ब्राह्मण भाषण नहीं देता है, उसकी औरत रात में उठती है, एक पेड़ को धागा बांध देती है, दिया बत्ती कर देती है, 33 करोड़ देवी देवता को रख देती है, और सुबह बोलती है चलो आरती करो, वो अपने प्रतीकों से जोड़ती है, 33 करोड़ देवी देवताओं से जोड़ती है। इसीलिए आप भी हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, जगदेव कुशवाहा, इनकी जयंती मनाइए और देखिए 5 साल के बाद आप शासक कैसे नहीं बनते। जगदेव कुशवाहा को 5 सितंबर 1974 को गोली मार दी गई। क्यों? क्या वो मौर्य बिरादरी के लड़ रहे थे? उन्होंने कहा 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनको गोली मार दिया। वो कहते थे मानवता की एक पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। तो लोग कहते थे कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ इतना उग्र मत हो, आपको गोली मार दिया जाएगा। तो कहते थे पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। वही हुआ। 5 सितंबर 1974 को गोली मार दी गई। उसके बाद आज तक कांग्रेस और बीजेपी वहां नहीं आ पाई, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह ईवीएम मशीन के द्वारा आपके वोट के अधिकार को छीन लिया गया। तो आप सोचिए, आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। ललित सिंह यादव ने 69 एकड़ जमीन बेच दिया, सम्राट अशोक पुस्तकालय खोला। तो सोचिए कि हम इन महापुरुषों का, सावित्री बाई फूले 1848 में पढ़ाने जाती थी तो लोग गोबर फेंकते थे, लेकिन हम पूजा किसकी कर रहे हैं?
जय हो सरस्वती माँ जिसने स्कूल खोला ही नहीं। मतलब अगर आपका दर्पण टूटा फूटा है तो आपका फोटो भी टूटा फूटा आता है, जब आपका इतिहास ही टूटा फूटा है तो आपका वर्तमान भी टूटा फूटा है, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य भी टूटा फूटा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकती। आपको अपना इतिहास जानना पड़ेगा, सम्राट अशोक को समझना पड़ेगा, गौतम बुद्ध को समझना पड़ेगा। गौतम बुद्ध इनकी विचारधारा के खिलाफ 2500 साल पहले लड़ गए, बोले इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और कारण अगर मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। वो कहते हैं अपदीपभव, मतलब जो सारी दुनिया ईश्वर अल्लाह पर विश्वास कर रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास करो। फिर कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामी, आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए। फिर कहते हैं संगम शरणम गच्छामी, तर्कशील लोगों के समूह में रहें, जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम है, आप तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही थी और अपने महल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी। तो शंकर जी आए, बोले तू कौन है भाई? बोले मैं तो पार्वती का बेटा हूं। अरे तू का बेटा हो गया भाई, हमें तो कोई सूचना नहीं, अब मुंडी काट दिए। अब बताइए इतना छोटा सा मुंडी है वो जुड़ गया, जोड़ सकते हैं? हाथी का 75 किलो मुंडी ला रहे हैं, कितना भी काटेगा माटेगा छाटेगा वो जुड़ेगा, हम लोग उसको मान रहे हैं। तर्क करिए। बलिया में गया तो जी पिताजी मर गए, पंडित बोलता ऊपर जग क्या खाएंगे, गेहूं लाओ चावल लाओ दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा ले गया। तो गांव वाले बोला अरे यादव जी दूधवा तो पंडित पी रहा। तो यादव जी गर्म दिमाग लाठी उठाए, पंडित घर बोल गए, बोले इधर आओ हमारे पिताजी चिट्ठी लिखे। बोले बेटा तू कैसा गाय दिए थे हमको स्वर्ग में दूध मिली नहीं रहा। तो पंडित बोला पगलाए होगा, मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखेगा तो मारा दो लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध कैसे पिएगा, चलो हमारी गाय खोलो। तो साथियों इसलिए हमने अंधविश्वास की कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, जाते कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। और अंत में यही कहूंगा, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी सूत्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे नीलाम। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।